हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। तो जनगणना 2011 से संबंधित आज मैं 75 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड मेयो के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपर्युक्त कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तो इसका डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। केरल है, मिजोरम है, गोवा है और तमिलनाडु है। केरल, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु, 1, 2, 3, 4, इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, किसके नगरीकरण के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। तो नगरीकरण सर्वाधिक कहाँ है? गोवा में, उसके बाद फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या होगा, 1, केरल, फिर मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। यह परीक्षण है 6 है। पहला कथन जो है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 312 जनजातियों को अनुसूचित जनजात घोषित किया गया था। दूसरा है, 2011 में अनुसूचित जनजात का लिंगानुपात 990 है, जो 2001 के लिंगानुपात 978 से 12 अधिक है। तो ऑप्शन जो है वो है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास, जो कमी हुई थी वो 0.31% हुई थी, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। पहला कथन है ये। दूसरा है, 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। स्टेटमेंट थर्ड है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% है, जबकि वार्षिक दर जो है वो 1.64% है। तो बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से 1, 2, 3 में से कौन कौन से सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट है, 1 और 2 दोनों। थर्ड ऑप्शन इसका सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मीन्स बढ़ते से घटते में। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, सी है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सर्वाधिक जनघनत्व जो है बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सिक्स क्वेश्चन है, साक्षरता की दृष्टि से उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो कम से कम किसी भी
किसी भी लिखे हुई वस्तुओं को, किसी भी लिखी हुई चीज को वो लिख सके और पढ़ सके, समझ सके और लिख सके, किसी भी चीज को वो समझ सके और लिख पढ़ सके। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद त्रिपुरा सबसे साक्षर राज्य है, जहाँ की साक्षरता 91.58% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। इस जो कथन दिए गए हैं पहले और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, और ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, केवल दो, दूसरा गलत है, पहला जो है वो सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जिला कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जिला कौन सा है, जिसमें जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। तो सातवें का है ऑप्शन डी, अलीराजपुर। क्वेश्चन क्या था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जिला कौन सा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन, ये न्यूनतम के बाद होना चाहिए था, ये न्यूनतम जनघनत्व। आठवां प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, नागालैंड। नागालैंड की जो वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो निगेटिव थी। नवा प्रश्न है, निम्न पर विचार करें, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, ये चार ऑप्शन है आपके पास, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। उपर्युक्त राज्यों को जनसंख्या के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो जनसंख्या की दृष्टि से इनको देखना है कहाँ पे कम है, कम से ज़्यादा देखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो है वो सी पार्ट होगा, 3, 5, 2, 4, 1। सर्वाधिक कहाँ, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, 3, 5, फिर उसके बाद है आपका 2, 4, 1, गोवा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उत्तरी 24 परगना, कच्छ, गुजरात, थाड़े, महाराष्ट्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो दसवें का जो है सी पार्ट सही है, थाड़े, महाराष्ट्र। ग्यारहवां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता वाले राज्य के संदर्भ में भारत में राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता वाले राज्य के संदर्भ में भारत में राज्यों का सही अवरोही क्रम, बढ़ते से घटता हुआ क्रम, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये बताना है। तो ग्यारहवां का जो ऑप्शन है ए है मिजोरम, गोवा, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गोवा। ऑप्शन सी है केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, केरल, मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। बारहवां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें, उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है, जनगणना 2011 का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षकों को बनाया गया था। तीसरा है 2001 से 2011 के मध्य देश की साक्षरता में भी लगभग 7% की वृद्धि हुई है। चौथा ऑप्शन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 70% है। तो बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, 2 और 4, 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बारहवें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी।
बारवां जो बारवां प्रश्न है आपका, बारहवें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तेरहवां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो ऑप्शन ए होगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। चौदहवां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में आपको लगाना है। दमन दीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है और पांडचेरी है। ये पांच हैं तो इनको आरोही क्रम में लगाना था। चौदहवें का जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन डी होगा, 3, 1, 4, 2, 5। 3, 1, 4, 2, 5। सबसे पहले कौन, लक्षद्वीप, फिर एक है आपका दमन और दीव, एक के बाद फिर है 4, 2, 5 दादर नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार, फिर पुडुचेरी। पंद्रहवां प्रश्न है जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी। जनगणना 2011 के अनुसार, ये जनगणना है आपका, जनसंख्या की जगह जनगणना है, जनगणना 2011 के अनुसार क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा एरर हो गया है, 15 हम लोगों को देखना था। क्वेश्चन नंबर 15 था जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, केरल। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुसार 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है। इसके लिए एक जनगणना विभाग का गठन किया गया है जो कि सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चौथा ऑप्शन है जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के नेतृत्व में किया गया है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4। तो जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी पार्ट है, 1, 3 और 4। दूसरा जो ऑप्शन था वो गलत था। 17वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। 17वें का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए ही है, उत्तर प्रदेश। 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनगणना 2011 के प्रायोजन हेतु 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर समझा जाता है। ऑप्शन बी है 8 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के पढ़ और लिख सकता है साक्षर समझा जाता है। ऑप्शन सी है 9 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, ये 9 वर्ष है, 9 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर समझा जाता है। ऑप्शन डी है 10 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर समझा जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7 वर्ष और इससे अधिक आयु, 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री के संबंध में भारत में राज्यों का सही और अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है।
ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। ऑप्शन सी है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। 20वां क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें, किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है जबकि अब चीन द्वितीय स्थान पर आ गया है। तीसरा है भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। चौथा ऑप्शन है भारत में 1921 से 31 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी इसलिए वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो ए है केवल वन यही सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। 21वां प्रश्न 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। तो 21वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, सिख। 22वां प्रश्न है, 22वां क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशकों जहां शहरी जनसंख्या में 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई है वहीं ग्रामीण जनसंख्या में 9.5 करोड़ रही है। दूसरा ऑप्शन है जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 37.7 करोड़ शहरी क्षेत्रों में शेष 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये 63.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु है। इन चारों ऑप्शनों में से अब बताना कि कौन कौन से सही हैं, दो और तीन, एक और दो। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, केवल दो सही है। 23वां प्रश्न निम्न पर विचार करें, सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। ये शहरी था, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू और कश्मीर है। ऑप्शन थर्ड है भारत में गांव से शहर तथा छोटे शहर से बड़े शहर में जनसंख्या उत्प्रवास दर ज़्यादा है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो तीन स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन कौन से सही हैं ये बताने हैं। एक और दो सही है, एक और तीन सही है, केवल तीन सही है, ऑप्शन डी है, एक दो और तीन। 23rd का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एक और तीन सही है। 24 है निम्न में से किस महानगर की जनसंख्या न्यूनतम है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई। तो इन चारों में से चेन्नई की जनसंख्या इन चारों के कंपेरिजन में कम है। 25 है निम्न पर विचार करें, ग्रामीण जनसंख्या का तीव्र आवर्जन, संकेंद्रण के अर्थतंत्र का विकास, गंदी बस्तियों का तेजी से विस्तार, ग्रामीण नगरीय असंतुलन में वृद्धि। भौगोलिक दृष्टि से महानगरीकरण के परिणामों के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इन चारों में से कौन से सही है। दो और चार, एक दो चार, दो तीन चार, एक दो तीन और चार। 25 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। अब देखते हैं 26, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्न पर विचार करें, इसे 11 मई 2000 को गठित किया गया जबकि इसके गठन का प्रस्ताव 15 फरवरी 2000 को घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन थर्ड है इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करना है जिसके लिए जनसंख्यिकी, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रम में तालमेल को बढ़ावा दिया जाना है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, एक दो, दो तीन, तीन, एक दो तीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 26 का वो ऑप्शन डी होगा। 27 है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई, तो इसका 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए होगा।
1881 में। 28 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ललितपुर। 29 निम्न पर विचार करें, नई दिल्ली, भोपाल, विशाखापट्टनम, शिलांग, सिंगरौली। उपर्युक्त में से प्रशासनिक शहर की पहचान कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 1, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 4 ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जात जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, पंजाब। निम्न पर विचार करें, जनगणना 2001 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड 64.53% था। जनगणना 2011 में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड -0.6% है। जनगणना 2011 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो बताना इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1, 1, 2 और 3। 31 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए, 1 और 2। 32, निम्न में से किस दशक में जनसंख्या में तीव्र दशकीय वृद्धि दर देखी गई? 32 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड है आपका, यहाँ 1961 से 1971 के बीच। 33 है, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? आप 1, 2, 3, 4 करके, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, मणिपुर। तो 33 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन थर्ड होगा, मिजोरम। निम्न में से किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। 35 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला है, विश्व जनसंख्या विवरण के प्रारूप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सामान्यतः विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10% सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो 36 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, 1 और 2 दोनों। 37 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? माहे और थाड़े और गाजियाबाद, माहे और अल्मोड़ा और डिडौरी। तो 37 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, माहे और अल्मोड़ा। 38, निम्न में से कौन सी प्रारंभिक नगरीय विकास से संबंधित नहीं है? सड़क मार्गों का विकास, पशुपालन, कृषि करना, शिकारियों, संग्रह करना। तो 38 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, शिकारियों, संग्रह करना। 39, निम्न पर विचार करें, 2001 एवं 2011 की जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है दशकीय वृद्धि दर एवं ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में ही कमी आई है, से सभी क्षेत्रों में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। ऑप्शन दो है, 30 मार्च 2011 को गृह सचिव जी के पिल्लई की उपस्थिति में डॉक्टर सी चंदमौली द्वारा अंतिम आंकड़े जारी किए गए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। 40 है, जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है एवं उसके बाद है दिल्ली एवं पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली। तो 40 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु। 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेरठ। नगरीय आदिवास की छोटी इकाई है कस्बा, शहर, नगरीय ग्राम, नगरीय हैमलेट। 43 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, नगरीय हैमलेट। 44 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में। 44 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मेघालय में।
45 है, केरल में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, ये सुदृढ़ होना चाहिए, ये है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। थोड़ा टाइपिंग में एरर कहीं कहीं हो गई तो मैं उसको एरर को दूर कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत है। तो ये 45 का ए है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना, उच्च नगरीकृत समाज। तो 45 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। 46 उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान कितनी औसत दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 17.84, 20.22, 19.95 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी 20.22। 47वां है समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है, 47 जो है, 47 का जो सही ऑप्शन होगा आपका बी आइसोप्लेथ। 48 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो 48 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है डी पार्ट, ईसाई। 49 उत्तर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इटावा, औरैया, बलिया, मऊ। 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो, 49 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या, उत्तर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 49 का जो सही ऑप्शन होगा आपका बी पार्ट है, औरैया। 50 निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? सॉरी, 50वें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 41 है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 51 उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम अनुसूचित जात आबादी है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम अनुसूचित जाति आबादी है। कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं? 1 और 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 और 3। तो 51 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 1 और 2। 52 है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? तो 52 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें, सीतापुर, श्रावस्ती, प्रयागराज, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर। कोड का प्रयोग करते हुए बताएं कि सर्वाधिक अनुसूचित जात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4 और 5। तो 53 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1, 3 और 4। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 54 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक दशकीय वृद्ध वाले 3 जिले कौन से थे? 54 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। 55 क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 55, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 55 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, 829। 56 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका मुंबई नगर समूह, ऑप्शन डी। 57 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जात वाला राज्य कौन सा है? 57 का सी पार्ट है आपका, उत्तर प्रदेश। 58 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? दिल्ली, पांडचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो 58 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, लक्षद्वीप। 59 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चेन्नई, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, ठाणे। तो 59 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है आपका, ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो 60वें का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
महाराष्ट्र। 61 भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो 61 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। तो 62 का जो सही ऑप्शन है वो 62 का ऑप्शन सी है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा 63 का बी 1872। 64 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है। 64 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मेघालय में। 65 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? बिहार, गुजरात, राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो 65 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है बिहार। 66 है, 66 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 66 का ऑप्शन ए है केरल। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? 67 का ऑप्शन होगा ए मिजोरम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अंजा, लेह, लागलेंग, दिबांग घाटी। तो 68 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है दिबांग घाटी। 69 है, निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है? चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम, पांडचेरी। तो 69 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिजोरम। 70 है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़। तो 70 का होगा आपका सी पार्ट दिल्ली। 71 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? 71 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है तृतीय। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 72 का ऑप्शन है ए तेलुगु। 73, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? ये जिला पहले है आपका जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो 73 है ऑप्शन बी ही है श्रावस्ती। 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 74 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है 382। 75, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है पहला, तीसरा, आठवां और नौवां। तो 75 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह के आपको जीके जीएस जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को आसान बनाएँ। धन्यवाद मित्रों।